हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी लर्नोपीडिया। कैसे हैं आप सब? हम आपके लिए लेकर आए हैं 19 और 20 जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाइए और हमारे चैनल पर एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जून 2022 करंट अफेयर्स, उसमें जाकर आप हमारे प्रीवियस वीडियोज देख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है फुजियान। फुजियान ने रिसेंटली लॉन्च एडवांस्ड एयरक्राफ्ट ऑफ विच कंट्री? देखिए, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर फुजियान लिखा हुआ है और ऑप्शन में आपको फुजी, चाइना, जापान और ताइवान दिया है, तो फुजी ऑप्शन दिया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि भाई फुजी से फुजियान होगा। सही आंसर यहाँ पर क्या है? चाइना। ठीक है, फुजियान से आपको चीजें पता होनी चाहिए कि ये एक फुल्ली डेवलप्ड एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है, फुल्ली डोमेस्टिकली डेवलप्ड, डोमेस्टिकली डेवलप्ड। ठीक है, डोमेस्टिकली का मतलब होता है इसकी सारे पार्ट जो है वो चाइना में बने हैं, बाहर से कोई चीजें नहीं आई है। फुजियान जो है ये नाम किस पर रखा हुआ है? ये नाम रखा हुआ है ईस्टर्न कोस्ट जो है एक चाइना का, ठीक है, वहां पर एक प्रोविंस है जिसका नाम है फुजियन, उसी के ऊपर ये नाम रखा गया है। ये जो है थर्ड ऑफ इट्स काइंड है। तो पहले दूसरे कौन है ये आपको मैं बता देता हूँ। पहला जो है वो आपका है लाओनिंग, लाओनिंग, और सेकेंड जो है वो आपका है शेनडोंग, शेनडोंग। लाओनिंग जो है ये जो है आपका बना है 2011 में, और शेंडोंग जो है ये जो आपका लॉन्च हुआ था 2019 में, और फुजियान अब 2022 में। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। द कंट्रीज फर्स्ट एवर गर्ल पंचायत, ठीक है, गर्ल पंचायत जो फर्स्ट एवर इंडिया की, वो कौन से स्टेट पर ऑर्गेनाइज की गई थी? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका या गुजरात? तो सही आंसर है यहाँ पे गुजरात। ठीक है, गुजरात के भी कौन से एरिया में हुआ था स्पेसिफिकली? तो ये आपको याद रखना है कि कच्छ में, कच्छ एरिया जो है वहां पर ये हुआ था। ठीक है, और ये गर्ल पंचायत का नाम इन्होंने रखा है बालिका पंचायत, बालिका पंचायत। तो आपको याद रखना है कि क्या नाम रखा था, किसने डेवलप किया था, मतलब किसने बोला था कि ये करेंगे हम लोग ऑर्गेनाइज, किसने किया था? विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है गुजरात गवर्नमेंट का, उन्होंने ये डेवलप किया था। और इन्होंने कहा था 11 से 21 साल की बच्चे यहाँ पर क्या करेगी, पंचायत में काम करेगी। तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पर पता होना चाहिए। ये किया क्यों था? ये गर्ल को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, विमेन को एम्पावरमेंट करे, और गर्ल भी जो है आपके पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना जो है शुरुआत करे, इस चीज के लिए यहाँ पर इन्होंने उस चीज को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर ये सारी चीजें करी गई है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी का दर जो है इंडिया में वो 2020-21 में कितना है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक? ठीक है, पीरियोडिक लेबर सर्वे फोर्स जो है ये हर कुछ कुछ दिनों में होता रहता है, कुछ कुछ महीनों में होता रहता है, कभी सालों में भी होता है। ठीक है, ये रिलीज कौन करता है, ये करता कौन है? ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिकल प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन, जिसको हम मॉस्पी कहते हैं। ठीक है, 2020-21 में अनएम्प्लॉयमेंट का जो दर है इंडिया में वो क्या है? तो वो है 4.2%। तो आपको याद रखना है कि पिछली बार 4.8% था, 48 नहीं, 4.8%, जो कि अब 44.2% हो गया है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंडिया में घट गया है और थोड़ी सी लोगों को नौकरियां यहाँ पर मिलना ज्यादा चालू हो गई है। ठीक है, दूसरा आपको पता होना चाहिए कि रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में अलग अलग अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में होता है, ये आपके कंट्री का ओवरऑल एवरेज है। ठीक है, रूरल जो है इसका है 3.3% और अर्बन जो है वो 6.7%। तो जो लोग कहते हैं ना कि भाई हम शहर जाएंगे कमाने के लिए, शहर जाएंगे हम लोग गांव छोड़कर नौकरी के लिए, तो देखिए भाई नहीं मिल रही है, 6.7% यहाँ पर है, नहीं मिल रही शहरों में नौकरी, मिल कहाँ रही है, गाँव में बराबर मिल रही है ना, गाँव में कुछ ना कुछ तो इंसान काम कर लेता है, 3.3% वहां पर है और शहर में कितना है, 6.7%। ठीक है, सोचने वाली बात यह है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। एशियाज ओल्डेस्ट रनिंग न्यूज पेपर मुंबई समाचार इज डेली पब्लिश इन विच लैंग्वेज? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये 1882 में बना था। ठीक है, तो कुछ लोग अगर अंदाजा लगाना चाहे तो कहेंगे कि भाई 1882 में ब्रिटिश का राज था, तो हो सकता है इंग्लिश में हो, या फिर मुंबई की बात चल रही तो मराठी में हो, या फिर नेशनल लैंग्वेज तो हिंदी में है। ठीक है, हमेशा जिंदाबाद हिंदी, तो ठीक है कोई भी चीज चालू करनी तो हिंदी में चालू कर दीजिए। ठीक है, तो नहीं, पर यहाँ पर क्या है, गुजराती, और ये बहुत गर्व की बात है कि एक रीजनल लैंग्वेज जो कि गुजराती है उस पर क्या है, एशिया का ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर वो लैंग्वेज में बन रहा है। ठीक है, और इसको हो गए हैं 200 साल, 200 साल इन्होंने कर लिया है कंप्लीट, और इसीलिए इन्होंने क्या किया था, एक द्विशताब्दी, द्विशताब्दी, ठीक है, द्विशताब्दी महोत्सव का ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने किया था मनाने के लिए। ठीक है, शताब्दी का मतलब होता है 100 और द्वि का मतलब होता है 200। ठीक है, तो यहाँ पर और एक चीज पता होनी चाहिए कि पीएम मोदी जो है इन्होंने एक पोस्टल पोस्टल स्टैम्प रिलीज किया था मुंबई समाचार के लिए, ताकि उनको वो क्या करे, उनका सम्मान कर सके। ठीक है, चलिए
और एक चीज आपको बता दें कि 1882 में जब ये रिलीज हुआ था तब ये वीकली था, ठीक है, अब ये डेली है। और ये रिलीज किया था एक पारसी ने जिनका नाम था फरदून जी मर्जबान, मर्जबान। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, विच फुटबॉल प्लेयर इज द थर्ड हाईएस्ट एक्टिव गोल स्कोरर इन द वर्ल्ड। देखिए वैसे तो इनका रैंक फिफ्थ है, ठीक है, पर एक्टिव गोल स्कोरर में क्या है थर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्रिकेट की बात करें तो अगर मैं कहूं कि एक्टिव रन जो है वो सबसे ज्यादा किसने बनाया है तो वो है विराट कोहली। क्यों? क्योंकि ये जो है अभी भी स्टिल प्लेइंग है, ही स्टिल प्लेइंग। बट वैसे ओवरऑल देखा जाए तो जो है आपके सचिन जो है इनका जो है सबसे ज्यादा रन है, ठीक है। तो ये होता है कि इनका सबसे ज्यादा रन है, पर एक्टिव में किनके ज्यादा रन है सबसे ज्यादा, विराट के। वैसे ही फिफ्थ पे आते सुनील छेत्री, पर एक्टिव जो अभी खेले जा रहे हैं उनमें आता है थर्ड नंबर पर। फर्स्ट और सेकंड पर कौन आ रहा है? फर्स्ट पर आ रहे हैं आपके रोनाल्डो और सेकंड पे आ रहा है मेसी और थर्ड पे आ रहे हैं सुनील। देखिए कितनी गर्व की बात है इंडिया के लिए कि भाई रोनाल्डो मेसी के बाद थर्ड नंबर पर आ रहे हैं सुनील। तो ये भी एक लेजेंड फुटबॉलर हो गए इंडिया के लिए, वर्ल्ड के लिए। और ये इंटरनेशनल गोल गिने जा रहे हैं, क्लब्स के गोल नहीं गिने जा रहे। नहीं तो क्लब्स के गोल में तो लेवेंडोस्की, नेमार, सुआरेज छेत्री से बिल्कुल आगे है, ठीक है। इंटरनेशनल में रोनाल्डो जो है पोर्टुगल से खेलते हैं और 117 गोल उनके हैं। मेसी जो है वो अर्जेंटीना से खेलते हैं, उनके 86 गोल है। और सुनील जो है वो 84 गोल के साथ इंडिया से खेलते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है कि यहाँ पर भी देखिए सिर्फ 2 गोल का अंतर है और सुनील जो है वो मेसी को पीछे छोड़ देंगे। खैर रोनाल्डो तो अभी दूर है। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इंडिया का जो अभी रिसेंटली एशियन गेम्स चल रहे थे, ठीक है, उसमें क्वार्टर फाइनल में इंडिया वर्सेज हांगकॉन्ग की मैच हो रही थी, इंडिया वर्सेज हांगकॉन्ग की मैच हो रही थी। और उसमें जब गोल किया तब उन्होंने सुनील ने ये माइलस्टोन को अचीव किया। तो आपको याद रखना है थर्ड नंबर पर कौन है सुनील और पहले दो पर कौन है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। द फर्स्ट ट्रेन अंडर भारत गौरव, ठीक है। भारत गौरव एक इंडियन रेलवे का इनिशिएटिव है, इंडियन रेलवे का इनिशिएटिव है। इनकी एक स्कीम है, वॉज फ्लैग बिटवीन कौन सी सिटीज के बीच में ये फ्लैग की गई थी? कोयम्बटोर से शिरडी, भोपाल से तिरुपति, मुंबई से द्वारका या कोलकाता से मथुरा? तो यहाँ पे सही आंसर होगा कोयम्बटोर से शिरडी। देखिए हर ट्यूजडे को ये क्या करेगी, कोयम्बटोर से निकल के थर्सडे को कहाँ पहुंचेगी? शिरडी को पहुंचेगी, ठीक है। ये भारत गौरव है क्या, ये क्यों रिलीज किया है इंडियन गवर्नमेंट ने अलग से एक स्कीम? तो देखिए इंडिया में जो है बहुत सारा रिच कल्चरल हेरिटेज है, ठीक है, कल्चरल हेरिटेज जो इंडिया में है बहुत काफी ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद इंडिया की जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है वो भी बहुत ज्यादा है, इम्पोर्टेंस जो है इंडिया का हिस्टोरिकल कल्चरल इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। और ये लोगों को पता चले, इंडियन लोगों को भी और वर्ल्ड के लोगों को भी, तो उनके लिए ये ट्रेन चालू किए हैं ताकि आप सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस पे या रिच कल्चरल हेरिटेज के प्लेसेस पे जा सके, ठीक है। तो ये जो है उसकी पहली ट्रेन है कोयम्बटोर से शिरडी और ये हर ट्यूसडे को निकल के थर्सडे को शिरडी पहुंचेगी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। देखिए आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड जो होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें कुछ ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं जो कि आपके आरबीआई से होते हैं और कुछ नॉन ऑफिशियल होते हैं जो बाहर से उनको ऑफिशियली नॉन ऑफिशियली अपॉइंट किया जाता है। तो और ये इसके जो है चेयरपर्सन कौन होते हैं, जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, ठीक है। यानी इस समय कौन है, शक्तिकांता दास। तो किसको अपॉइंट किया गया है नॉन ऑफिशियल? आनंद महिंद्रा, वेणु श्रीनिवासन, रविंद्र ढोलकिया, ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। चार लोगों को किया गया है, आनंद महिंद्रा जो कि आपके महिंद्रा ग्रुप के चेयरपर्सन है, ठीक है, वेणु श्रीनिवासन जो कि आपके टाटा ग्रुप के है, टाटा मोटर्स, ठीक है। उसके बाद रविंद्र ढोलकिया, ये जो है ये आईआईएम के प्रीवियस प्रोफेसर रह चुके हैं, ठीक है। और इनको अपॉइंट करने के लिए अपॉइंट किसने किया था, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट, एसीसी जिसको कहते हैं, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट, उन्होंने रिकमेंड किया है। और चौथे इंसान का नाम है, फोर्थ नंबर का इंसान का नाम है पंकज आर पटेल, पंकज आर पटेल, जो कि एक बिजनेसमैन है, इंडियन का बिलीनियर है, जिनका एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो आपको चार नाम याद रखने, आनंद महिंद्रा, वेणु श्रीनिवासन, रविंद्र ढोलकिया और पंकज पटेल, जो कि नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर बने हैं आरबीआई के। अगले सवाल पे चलते हैं। इंडिया रिसेंटली ऑर्गेनाइज मैंगो फेस्टिवल, इंडिया ने रिसेंटली क्या किया है, मैंगो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है कहाँ पर? टू बूस्ट एक्सपोर्ट मैंगोस, ठीक है। मैंगोस का जो एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि इंडिया से चीजें हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, मतलब हमारे पास जो चीजें हैं हम लोग बाहर की कंट्रीज में भेज रहे हैं, वो होता है एक्सपोर्ट, ठीक है।
तो मैंगोस का एक्सपोर्ट करने के लिए जो है कहाँ पर इन्होंने मैंगो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, सेनेगल, ऑस्ट्रिया, बहरीन या फिर तुर्की? तो यहाँ पे सही आंसर होगा बहरीन। आप मुझे बहरीन का कैपिटल और करेंसी कमेंट में करके लिख के बताएंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड जो डिपार्टमेंट है अपेडा, ठीक है, ये जो अथॉरिटी है इन्होंने ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाया है बहरीन में, ठीक है। 34 वेराइटी जो है ये अलग अलग स्टोर्स पे मैंगो की इन्होंने अवेलेबिलिटी कराई है ये मैंगो फेस्टिवल के लिए, और इन्होंने कहा है कि ये 8 दिन का फेस्टिवल चलेगा, 8 डे लॉन्ग, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच स्टेट लॉन्च एनोम एजुम, ठीक है, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, एजुतम स्कीम, किसने ऑर्गेनाइज करी है ये, किसने लॉन्च करी है ये स्कीम? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? सही आंसर है यहाँ पे तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो सीएम है एम के स्टैलिन, ठीक है, एम के स्टैलिन, इन्होंने क्या किया है रिसेंटली ये स्कीम ऑर्गेनाइज करी है, और ये स्कीम जो है वो है प्राइमरी एजुकेशन को जो है वो बढ़ाने के लिए है, लर्निंग का जो गैप होता है इंसानों के बीच में, ठीक है, वो इससे कम हो जाएगा, ठीक है, उसको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, जो लर्निंग का गैप होता है कि मतलब कुछ लोग बहुत पढ़ पाते हैं कुछ लोग पढ़ ही नहीं पाते, ये जो लर्निंग का गैप है वो इस चीज से कम हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये जो स्कीम है इससे हम लोग क्या करेंगे कि इंसान को जो प्राइमरी ग्रुप में आता है, ठीक है, उसको रीड तो करना आना चाहिए, कॉम्प्रेंशन एटलीस्ट, है ना, मतलब पैसेज ऐसे जो होता है पढ़ना तो उतना आना चाहिए उसको, और बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस तो उसको आने ही चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन परसेंटेज, इतना अरिथमेटिक बेसिक प्रॉब्लम्स उसको आने चाहिए 2025 तक के। हम लोग क्या करेंगे, हर किसी को ये प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे इस स्कीम के अंडर में, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे? एल्डर अब्यूज, देखिए जो आपके बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको उनके ऊपर जो अब्यूज होता है, ठीक है, उनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं, ठीक है, कि घर से निकाल दिया, उनकी संपत्ति जब्त कर ली, उनसे बुरे तरीके से व्यवहार किया, ये सारी चीजें जो होती है, ठीक है, आजकल की जनरेशन काफी ये लोग कर रहे हैं जो कि बहुत बुरी बात है, ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसके अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे कब मनाया जाता है, 15, 16, 17 या 18 जून को? तो सही आंसर है यहाँ पे 15 जून, ठीक है। और आपको याद रखना है कि ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने मनाया, क्योंकि ये जो है इंडिया में नहीं हो रहा, इंडिया से बाहर बहुत ज्यादा हो रहा है, इंडिया में तो अभी भी फिलहाल ज्वाइंट फैमिली में काफी लोग रहते हैं, और इन्होंने 2011 में ये चालू कर दिया था उनगा ने, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। फिर आपको एक पता होना चाहिए कि इस साल की थीम क्या है, इस साल की थीम है डिजिटल डिजिटल इक्विटी, इक्विटी फॉर ऑल एजेस, फॉर ऑल एजेस, ठीक है। 15 जून से ही मुझे एक और चीज याद आ रही है कि 15 जून को ही हम लोग क्या करते हैं, ग्लोबल विंड डे मनाते हैं, ठीक है, विंड डे, ठीक है, ये कब सेलिब्रेट होता है, 15 जून को ही सेलिब्रेट होता है, और इसकी जो है आपकी टैगलाइन होती है वी आर, फिर वी आर के आगे लगा देते हैं हैशटैग इन विथ विंड, इन विथ विंड, और फिर आगे पूछते हैं कि क्या तुम हो, आर यू, मतलब हम तो विंड के साथ है, तुम हो क्या, ठीक है, तो ये है ग्लोबल विंड की टैगलाइन। चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले एक फैक्ट है कि रिसेंटली कहा गया कि 5G स्पेक्ट्रम का क्या होगा, 5G जो आपका डेटा होता है, अभी 4G चल रहा है, 5G जो डेटा आएगा उसका ऑक्शन करेंगे हम लोग, उसके स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करेंगे, और उसकी डील किसी भी कंपनी को मिलेगी कितने साल के लिए, 20 साल के लिए, तो आपको देखना है उसका डेटा लिमिट क्या है, ठीक है। I2U2 ये एक नया ग्रुप बन रहा है, ठीक है, जैसा क्वाड है, इसमें 4 कंट्रीज होगी, 2 I से 2 U से, तो कौन सी कंट्रीज है ये, तो ये है इंडिया, इसराइल, इंडिया, इसराइल, UAE और USA, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले इस पे चलते हैं। एक बीमस्टेक जो है आपकी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, इनका एक टेक ट्रांसफर का सेंटर बन रहा है, टेक ट्रांसफर सेंटर, ठीक है, तो ये कहाँ बन रहा है, क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा कि ये कहाँ बन रहा है, तो ये बन रहा है कोलंबो में। कोलंबो कहाँ है भाई बताइए, श्रीलंका में है, ठीक है। चलिए एक और चीज है, कुछ आइलैंड्स है एगियन सी में, एगियन सी, यहां पर ना कुछ आइलैंड्स है जिसके लिए दो कंट्रीज लड़ाई कर रही है स्टार्ट अभी फिलहाल, तो वो दो कंट्रीज कौन कौन है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो दो कंट्रीज है ग्रीस वर्सेस, वर्सेस लिख देता हूँ ताकि क्या है थोड़ा ऐसा लगे कि भाई हाँ, जैसे यूक्रेन वर्सेस रशिया वैसे ग्रीस वर्सेस टर्की, यहाँ पे थोड़ी लड़ाई चल रही है दोनों के बीच में कि एगियन सी के जो आइलैंड्स है उस पर हमारा क्लेम है, हमारा क्लेम है, लड़ रहे दोनों। फिर आपको एक और चीज पता होना चाहिए कि रिसेंटली 1200 कैटल जो है,
1200 कैटल्स, ठीक है, गुजरात में इनको क्या पाया गया, एक डिजीज पाई गई जिस वजह से ना अभी तक कुछ जो आपके कैटल्स की मौत भी हो गई है, जिसका नाम है लंपी स्किन डिजीज, लंपी स्किन डिजीज, ठीक है। ये किस चीज में होती है आपको पता चल गया, कैटल्स में, ठीक है। चलिए अगला, ड्रोन पॉलिसी 2022, ये ड्रोन पॉलिसी 2022 ये कौन से स्टेट ने पास किया है, ठीक है। तो ये है हिमाचल प्रदेश, तो आपको पता होना चाहिए ड्रोन पॉलिसी 2022 किसने किया है, हिमाचल प्रदेश ने। थैंक यू वेरी मच, चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ और करंट अफेयर्स के साथ, कुछ और फैक्ट्स के साथ। तब तक आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमारे कमेंट में आप हमको करके बताइए कि आपको किस तरीके से और आगे वीडियोस चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच।